क्या कभी आपने ऐसा टॉयलेट देखा है क्या? उत्तर प्रदेश के अधिकारी अक्सर अपने अजब गजब कारनामों के लिए चर्चा बने रहते हैं। आज हम आपको विकास विभाग के ऐसे अधिकारी का कारनामा दिखाएंगे जिसे देखकर यकीनन आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर किस मंशा के तहत योगी सरकार के इन अफसरों ने एक कारनामा कर दिखाया है। बस्ती मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्लॉक है कुदराहा। इस ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गांव गोर धुदा में बनाए गए सामुदायिक शौचालय की तस्वीरें आपको अचरज में डाल देगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह की सोच के साथ इस शौचालय सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया है जो बाकी में गजब है। अब तक आपने एक ही जगह टॉयलेट और बाथरूम तो देखा और सुना होगा, लेकिन कभी आपने एक ही टॉयलेट में दो सीट ना तो सुनी होंगी ना ही देखी होंगी। लेकिन क्या कहने उस इंजीनियर जी के और प्रधान जी के जिन्होंने एक ही टॉयलेट रूम के अंदर दो दो सीट बैठा कर ये कारनामा कर दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस उद्देश्य के तहत जिम्मेदारों ने एक टॉयलेट के अंदर दो सीट लगा दी? क्या अधिकारी यही चाहते हैं कि दो लोग एक साथ सोच करने जाएं, उनकी निजात का हनन हो? कुछ भी हो सकता है क्योंकि कमीशन की धुन में अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। गोर धुंधा गांव में सेक्रेटरी प्रधान ने 10 लाख रुपए की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया, लेकिन आज तक इस सामुदायिक शौचालय का कोई भी व्यक्ति प्रयोग नहीं कर पाया है, जिसके पीछे कारण यह है कि शौचालय बनाए तो गए मगर उसके दरवाजे आज तक नहीं लगे और एक ही रूम में दोनों सीट होने के कारण शायद ही कोई लोग लाज को ताक पर रखकर शौचालय का प्रयोग करे। इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि दोषी सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द उक्त सामुदायिक शौचालय को ठीक कर उसके अलावा रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित खिलाफ उचित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। वे खुद मौके पर जाकर जांच करने गई और सामुदायिक शौचालय की हालत को देखकर अचरज में पड़ गई, ऐसा कहना था जिला पंचायत राज अधिकारी का। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार जिस वक्त ये बन रहा था उस वक्त अधिकारियों ने वहां का निरीक्षण करना ना उचित समझा? जहां पर सामुदायिक शौचालय बना है एक ही रूम के अंदर दो दो सीट लगा दिए गए हैं, ये प्रकरण आपने मौके पर जाकर खुद देखा, क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें संबंधित सचिव को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उसे इस नोटिस का जवाब मांगा गया है कि किन कारणों में ऐसा हुआ है, और अभी जवाब अभी तक आया नहीं है। जिस जैसे भी जवाब होता है फिर जांच करा के आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं मौके पर आप गए थे, आपने क्या देखा वहाँ, क्या कमियां मिली है? हाँ, शौचालय में दरवाजे नहीं लगे हैं और एक ही कक्ष में दो सीट स्थापित कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित सचिव से मांगा गया है रिपोर्ट कि किन कारणों से ऐसे किया गया है, संबंधित कार्रवाई संबंधित खिलाफ आगे की जाएगी।